हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ओके। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जितने भी टेक्निक्स और जो है उससे आगे आज करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हैंड टेक्निक्स थे पिछले की, तो आई होप कि आपने कर लिया होगा अच्छी तरीके से। और जो एक्सरसाइज वगैरह थे पिछले वीडियो वाले, तो उसी को आप रिपीट करेंगे। एक्सरसाइज को वही एक्सरसाइज रहेगी आपकी, फुल बॉडी एक्सरसाइज मैंने जो आपको पिछले वीडियोज में बता दी है। चाहे तो आप उस वीडियो को देख लेना और उसी एक्सरसाइज को याद कर लेना अच्छे से, और उसी के बाद कंटिन्यू करना। और बाकी की जो भी टेक्निक्स और जो भी रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा सर। आज हम करेंगे टेक्निक और साथ में एक सेल्फ डिफेंस भी करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से देखना है और करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड हमने कर लिया था, थर्ड करेंगे हम। इसके बाद हम करेंगे अब सीधा फेस ब्लॉक, ठीक है। फेस ब्लॉक कैसे होता है, तो सबसे पहले पोजीशंस हमारा जितने भी हैंड टेक्निक्स हैं उनकी सब जितने भी पोजीशंस वगैरह रहेगी वो सेम रहेगी, एकदम सेम, ठीक है। तो सबसे पहले जूम की पोजीशन, उसके बाद जब हम कोई भी हैंड टेक्निक करते हैं तो सबसे पहले हमारा यही इसी एंगल से आएगा, ठीक है। तो अपने जो लेग है उसको थोड़ा सा बैंड करना है। अभी हम लेग को बैंड क्यों करते हैं, जिससे हमारा बैलेंस बने रहे, ठीक है। इस तरह से बैलेंस अगर हम बैंड करेंगे लेग को, तो कोई भी हमें अगर पुश करता है तो हम अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। तो अभी बैंड करेंगे लेग्स को, और दूसरा हैंड ये है यहाँ पे, इस तरह से रहेगा। अब अभी काउंटिंग के साथ हम सबसे पहले करेंगे फेस ब्लॉक, रेडी वन। इस तरह से फेस ब्लॉक होता है, ठीक है। ये अपना हाथ है, इस हैंड को अपने फेस अपने फोरहेड से ऊपर रखना है, और दूसरे हैंड को बाकी हैंड टेक्निक्स की तरह वेस्ट में, ठीक है। वन इस तरह से, ठीक है। अभी हैंड डाउन लाइक दिस बैंड, एंड सेकेंड पार्ट आप दूसरे हाथ से करेंगे। टू, अब ये काम किस लिए आता है मैं आपको दिखाऊंगा ये काम, ओके। तो इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं इस टेक्निक को मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। चलो आप पंच मारो, ये देखो, ये जब कोई आपको पंच मारेगा तो आप इस ये वाले हैंड से आप अपने फेस को ब्लॉक कर सकते हो। तो दोबारा मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, चलो इस वाले हाथ से मारो, ये देखो इस तरह से आप अपने आप को ब्लॉक कर सकते हो फेस को, ठीक है। और ऊपर वाला मारो, ऊपर से आप मारो हैंड से, चलो ये देखो इस तरह से भी आप ब्लॉक कर सकते हो। तो इस टेक्निक का ये आपको फायदा होता है, ओके। तो ये जो फेस ब्लॉक है किस लिए आपको पता चलिए है ना, तो इसको किस तरह से करना है एक स्लो मोशन में, मतलब स्लो टैग में देखते रहना और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, पोजीशंस क्या है आपको समझ में आ गए, ये और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से रखना है, जब फर्स्ट राइट हैंड से करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये इस तरह से हैंड ऊपर रखना है, और दूसरा वाला हाथ ये है इसको वेस्ट के ऊपर इस तरह से रखना है, ठीक है। तो आपका ये पोजीशन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो हैंड टेक्निक्स हमारे सारी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हैंड टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगा। आज जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज आपको साइड डिफेंस भी कराऊंगा, तो साइड डिफेंस मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। सपोज आप कहीं बाहर मार्केट में जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ, तो आप गलती से मार्केट में रह जाओ और कुछ ऐसा हैपन हो जाए कि कोई बैड पीपल आपको किडनैप करने की कोशिश करे, तो उस टाइम को कैसे आपको बचाना है, उस टाइम से अपने आप को किस तरह से आपको बचाना है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। तो आप मार्केट में कोई आपको इस तरह से पकड़ ले, ठीक है, तो आप अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तो करोगे ही करोगे ऑफकोर्स, तो लेकिन वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो आप उस टेक्निक को यूज करके आप अपने आप को बचा सकते हो। कैसे, आप लटक जाओ पैर में पूरा अच्छे से लटक, तो आपको इस तरह से आपको पूरा पैर में लटकना है। तो जब आप लटक जाओगे आपका वेट इतना होगा कि आपका ये जो एक लेग में एक आप थाई पे लटक जाओगे तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाएंगे इस तरह से, ठीक है, मूवमेंट नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप किसी को बचाने के लिए, हेल्प के लिए आप किसी को भी बुला सकते हो, ओके। अभी दूसरा तरीका ये है कि आप थाई को बाइट करके आप भाग सकते हो, कहीं ऐसी जगह जा सकते हो, बाइट करो और भागो, यस गुड। तो इस तरह से, ओके, तो इस तरह से आप भाग सकते हैं, ठीक है। इस टेक्निक को दूसरे टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप जितनी भी टेक्निक्स हैं आपको समझ में आ गया होगा, और आज की टेक्निक के जितना भी सिखाया मैंने टेक्निक्स एंड सेल्फ डिफेंस, मैं चाहता हूं कि आप इसकी वीडियोस बना के मुझे भेजें, मुझे भी पता चले हम लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे भी पता चले कि आप बच्चे लोग भी उतने ही एफर्ट कर रहे हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये सारे टेक्निक्स आए, क्योंकि हर किसी को आना जरूरी होता है, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि आप लोग सीख पाओ, वो अगर आप मुझे दिखाएंगे वीडियोस वगैरह सेंड करेंगे मेरे को, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टेक्निक्स वगैरह लेके आऊँगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। जो भी वीडियोस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे आंसर कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा, ओके ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ।